गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टैक्सेशन पार्ट फर्स्ट. यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म एंड एसोसिएशन ऑफ पर्संस. नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन द बेस ऑफ रेजिडेंस, यानी कि पर्सन की निवास स्थिति यानी कि उसकी रेजिडेंशियल कंडीशंस के आधार पर, स्टेटस के आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे कि किस पर्सन को किस इनकम पर इंडिया में टैक्स देना है और किस इनकम पर इंडिया में टैक्स नहीं देना है. ओके सर, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं भारतीय निवासी हूँ तो मुझे किस किस कंडीशन पर इंडिया में टैक्स देना है और किस कंडीशन पर इंडिया में टैक्स नहीं देना है, या फिर मैं भारत का अनिवासी हूँ या फिर मैं भारत का असाधारण निवासी हूँ या नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट हूँ, तो इस कंडीशन मुझे किस कंडीशन पर टैक्स देना है और किस कंडीशन पर टैक्स नहीं देना है, तो इसका डिस्कशन हम इस टेबल में करेंगे. ये तुम्हारा क्या कैसे फॉर्मेट है और इसी के न्यूमेरिकल बनते तुम्हारे. देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तुम्हारा फॉर्मेट होना चाहिए पर्टिकुलर रेजिडेंस, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट. यानी कि कह सकता हूँ कि ये तो क्या तुम्हारा रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन. ओके इन्हें बोलते हैं. यहाँ पर तुम्हारे पास में यही कंडीशन से इन्हीं कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि कौन भारत में टैक्स देगा और कौन नहीं देगा. बट इनको पढ़ने से पहले तुम्हें क्या होनी चाहिए, रेजिडेंशियल कंडीशंस आनी चाहिए कि किस कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन किस किस के ऊपर फुलफिल करनी जरूरी है जिसे हम कह सकते हैं कि वो भारत का रेजिडेंट है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है. ओके तो पहली डिस्कशन करते हैं कि किस इनकम पर भारत में टैक्स देना है और किस इनकम पर भारत में टैक्स नहीं देना. पहली कंडीशन करते हैं इनकम एक्रूड, यानी कि क्या हुई हो, इनकम का उदय हुआ हो या अर्जित हुई हो, उसको उगई हो, इनकम को जनरेट किया अपन ने एंड रिसीव्ड इन इंडिया. यानी क्या कह रहे हैं कि तुमने इनकम को जनरेट भी इंडिया में की है और रिसीव भी क्या की है, इंडिया में की है और डीम्ड टू बी एक्रूड एंड रिसीव्ड इन इंडिया. यानी कि ये माना जाए कि एक्रूड एंड रिसीव्ड इन इंडिया में हुई है या फिर तुमने एक्चुअल में एक्रूड और रिसीव इंडिया में की है, तो इस कंडीशन में तीनों को ही इस इनकम पर टैक्स देना है जिस इनकम को तुमने इंडिया में जनरेट की हो या फिर इंडिया में रिसीव की हो या फिर इंडिया में अर्न की हो. उन इनकम पर तुम्हें क्या करना होगा, चाहे तुम नॉन रेजिडेंट हो, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या फिर रेजिडेंट हो, तुम्हें तीनों को ही इस इनकम पर टैक्स देना है. ओके फर्स्ट कंडीशन समझ आई, इंडिया में रिसीव, एक्रूड एंड अर्न. अगर तीनों में से कोई भी एक कंडीशन इंडिया में हो रही है तो तीनों को ही उस पर टैक्स देना जरूरी है. ओके सेकंड कंडीशन बात करते हैं इनकम एक्रूड और डीम टू बी एक्रूड. यानी कि मान लिया जाए कि तुमने उदय इंडिया में किए या माना जाए या तो उदय किए यानी कि उसको एक्रूड यानी कि एराइज करना या फिर उसे जनरेट करना, या फिर मान लिया जाए कि ये इंडिया में तुमने जनरेट की है बट नॉट रिसीव्ड इन इंडिया. मैंने क्या कहा था, बताया था कि इंडिया में एक्रू की हुई हो, रिसीव की हुई हो या फिर तुमने अर्न की हुई हो, तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर इंडिया में हो रही है तो तुम तीनों को टैक्स देना है, चाहे तुम नॉन रेजिडेंट हो, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या फिर रेजिडेंट हो. तो यहाँ पर भी क्या हो गया, तुमने क्या किया, एक्रू इंडिया में की, इसको एक्रू यानी कि उदय इंडिया में किया, उस इनकम को जनरेट तुमने इंडिया में की है, तो यहाँ पर तुम तीनों को क्या देना होगा, टैक्स देना होगा. थर्ड कंडीशन की बात करते हैं इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव. इनकम रिसीव भी इंडिया में की है और माना कि इंडिया में ही रिसीव की है बट नॉट एक्रूड आउट बट एक्रूड इन आउटसाइड इंडिया. अब यहाँ पर देखो इंडिया में तुमने रिसीव तो की है बट तुमने उसको जनरेट कहीं और से किया, फॉरेन में जनरेट की, यानी सपोज होता है कि तुम फॉरेनर हो और तुम्हारे क्या हुआ, तुम बिजनेस कहीं जॉब पे करते हो, जॉब क्या हुआ, जॉब से तुमने क्या किया कि जॉब करते हुए तुम इंडिया में आए हो. अब यहाँ पर क्या हुआ, तुमने यहाँ से किसी से वो इनकम रिसीव की यानी कि उसके रिप्रेजेंटेटिव से तुमने इनकम रिसीव की है, यहाँ के किसी इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव, फॉरेन कंपनी के इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव से तुमने इनकम रिसीव की है, सैलरी रिसीव की है, तो इस कंडीशन में तुम्हें यहाँ पर टैक्स देना होगा. भले तुमने वहां पर जाकर जॉब की हो, फॉरेन में जॉब की हो, बट तुम्हें टैक्स कहाँ देना होगा, इंडिया में देना होगा, क्योंकि तुमने क्या किया, इंडिया में रिसीव किए या भरा हुआ है कि तुमने इंडिया में रिसीव किए, भले तुमने कहीं पर भी जाकर उसको एक्रू किया हो या फिर जनरेट की हो. ओके यानी समझ गए ना क्या कह रहा हूँ, एक्रू अर्न एंड रिसीव, तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर भारत में होती है तो तुम तीनों को टैक्स देना है, उसमें किसी टाइप की कोई भी छूट नहीं है, डिडक्शन नहीं मिलेगा, उन्हें रिलेटिव नहीं मिलेगी, ओनली फॉर टैक्स देना ही देना है. ओके
फोर्थ कंडीशन की बात करते हैं, इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। अब यहाँ पर क्या होगा, तुमने एक्रू भी आउटसाइड इंडिया में की है और रिसीव भी आउटसाइड इंडिया में की, यानी भारत से बाहर की है, बट डिराइव्ड फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया। समझा गया, इनकम एक्रू एंड रिसीव तुमने भारत से बाहर की है, बट जो बिजनेस है उसका कंट्रोल क्या है, इंडिया में है, या प्रोफेशन से उसका सेटअप कहाँ है, इंडिया में है। तो इस कंडीशन में रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन दोनों को टैक्स पे करना है, बट नॉन रेजिडेंट को टैक्स पे करना नहीं है। आगे समझे क्या हो रहा है कि अगर तुमने इंडिया में एक्रू भी नहीं की है और रिसीव भी नहीं की है, बट तुम्हारे बिजनेस का कंट्रोल इंडिया में है या फिर उसका प्रोफेशन से उसका सेटअप इंडिया में है, तो इस कंडीशन में रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट को तो टैक्स पे करना है, बट नॉन रेजिडेंट को टैक्स पे नहीं करना है। ओके, फॉर फिफ्थ कंडीशन की बात करते हैं, इनकम एक्रू और रिसीव आउटसाइड इंडिया, यानी कि तुमने एक्रू भी आउटसाइड इंडिया में की और रिसीव भी आउटसाइड इंडिया में की है, बट फ्रॉम एनी अदर सोर्स एक्सेप्टेड एट फोर्थ मेंशन, यानी कह रहा है कि अगर तुमने एक्रू और अराइज रिसीव जो भी है वो सब इंडिया से बाहर में किया है, एनी अदर सोर्स यानी किसी भी अदर सोर्स से जो कि फोर्थ कंडीशंस में नहीं आया हो, ये वाली फोर्थ कंडीशन जिसमें बिजनेस के बारे में बताया गया है, प्रोफेशन के बारे में बताया गया है, उससे अलग किसी कंडीशन के किसी अदर फॉर्म से तुम्हें कुछ इनकम रिसीव हुई है आउटसाइड इंडिया में, तो उसके लिए ओनली टैक्स लायबल कौन, टैक्स लायबिलिटी किसकी बनती है, रेजिडेंट की बनती है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट की टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है। जब अगर तुमने इनकम एक्रू और रिसीव आउटसाइड इंडिया में की है किसी अदर सोर्स से जिसका संबंध कंडीशन फोर से नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि रेजिडेंस तो इंडिया में टैक्स पे करेगा, बट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट इंडिया में टैक्स पे नहीं करेगा। और लास्ट तुम्हारी सिक्स कंडीशन की बात करते हैं, फॉरेन इनकम रिलेटिंग टू इयर्स प्रीसीडिंग टू दी प्रीवियस ईयर, यानी कहता है कि पिछले साल से पहले वाले वर्षों में पिछले साल की इनकम को अगर वे प्रीवियस ईयर ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर, अगर मैं ये कहूँ कि प्रीवियस ईयर से भी पहले वाले ईयर में किसी कोई इनकम जो मैंने फॉरेन में कमाई है और उस पर मैंने वहां पर कोई टैक्स पे नहीं किया है, और उस इनकम को अगर मैं भारत में लाता हूँ, समझ रहे हो, फॉरेन पिछले साल से पहले के ईयर्स में मैंने कोई इनकम फॉरेन में कमाई है, वहीं पर मुझे रिसीव हुई है, और वो इनकम प्रीवियस ईयर में मैं भारत में लाता हूँ, प्रीवियस ईयर में भारत में ला रहा हूँ, तो इस कंडीशन में मुझे किसी तीनों में से किसी को भी उस इनकम पर टैक्स पे नहीं करना होगा, क्योंकि वो इनकम क्या हुई, प्रीवियस ईयर से भी प्रीवियस ईयर में कमाई हुई है, फॉरेन में कमाई हुई है, फॉरेन में रिसीव की हुई है, यानी ओनली फॉर मैं क्या कर रहा हूँ, भारत में उस इनकम को ला रहा हूँ, तो इस कंडीशन में तीनों को ही इस इनकम पर टैक्स पे नहीं करना होगा। ओके समझ गया, यानी कि एक ऐसी कंडीशन से सिक्स, जो फॉरेन में कमाई हुई या रिसीव की हुई इनकम जो भारत में लाता हूँ वो उस पर मेरे को टैक्स पे नहीं करना होगा। ओके समझ गया, बाकी रेजिडेंस को तो हर एक कंडीशन में टैक्स पे करना है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए क्या है कि ओनली आउट अदर सोर्सेस से जो भी इनकम रिसीव हो अराइज आउटसाइड इंडिया में हुई है उस पर टैक्स नहीं पे करना है, बट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बात करता हूं तो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए बिजनेस एंड प्रोफेशंस का सेटअप और कंट्रोल भारत में है, बट एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया हुई है, तो इस कंडीशन में इसको टैक्स पे नहीं करना है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि रेजिडेंस को हर एक कंडीशन में टैक्स पे करना है ओनली सिक्स को छोड़ करके, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट को फिफ्थ और सिक्स कंडीशन को छोड़ करके टैक्स पे करना है, और नॉन रेजिडेंट को तुम्हारी फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स कंडीशंस को छोड़कर के ऊपर के तीन कंडीशंस पे के लिए टैक्स पे करना है। ये तुम्हारी क्या हो गई, टैक्स लायबिलिटी हो गई हर एक पर्सन के लिए, रेजिडेंस के लिए अलग हो गई, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए अलग हो गई, और नॉन रेजिडेंट्स के लिए अलग हो गई। इन कंडीशन से ही तुम्हें क्या करना होगा, क्वेश्चन को सोल्व करना होगा, पहले तुम्हें पता लगाना पड़ेगा कि इनकम कहाँ अराइज हुई, कहाँ उसका रिसीव हुई और कहाँ उसको अर्न किया। इन तीनों में से अगर कोई भी चीज भारत में होती है तो वो उस पर तीनों को टैक्स पे करना है। अब बिजनेस की बात कर लेते हैं, बिजनेस की इनकम एक्रू भी बाहर की है और रिसीव बाहर की है, बट उसका कंट्रोल या फिर किसी प्रोफेशन का सेटअप इंडिया में है, तो इस कंडीशन में रेजिडेंट एंड
receive outside India from any other source except at fourth mention above, यानी कि fourth condition में जो कर लिखा हुआ है उसके above अगर किसी other source से मैंने कोई भी income receive की है तो इस condition में residents को ही tax pay करना है, ordinary resident and non-ordinary non-resident को tax pay नहीं करना है। अगली sixth condition क्या है, foreign में पिछले year से पहले वाले year में कमाई हुई income को अगर मैं भारत में लाता हूँ बिना tax लगी income है वो, उस पर foreign में किसी टाइम को भी tax नहीं लिया गया फिर भी अगर मैं उसको भारत में लाता हूँ तो उस पर किसी को भी tax pay नहीं करना है। ओके got it, ये तुम्हारा क्या हो गया इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन द बेस ऑफ रेजिडेंस, यानी कि टैक्स कैसे निकलता है, ये तुम्हारा स्कोप ऑफ से टैक्स हो गया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे तुम्हारे इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद सैलरी स्टार्ट करेंगे तुम्हारी सेकंड यूनिट। ओके थैंक यू।